Hi friends, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. Mathematics दुनिया में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि thumbnail से ज्ञात हो गया है कि इस वीडियो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का रेशियोस की वैल्यू और उस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे ऑन बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए अब तक जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे जनरल एंगल के लिए कर रहे थे, ऐसे कहा जा सकता है. जनरल एंगल यानी थीटा, सपोज करते हैं थीटा कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 35, 40, 60, 90 डिग्री कुछ भी हो सकता था, वैसे हम लोग फाइंड किए. लेकिन यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड एंगल स्पेसिफिक एंगल पर बेस्ट ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे और उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये सीखेंगे. दैट इज एक्सरसाइज 8.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से. सो विदाउट वेस्टिंग और प्रेसिस टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग. सबसे पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल. अब इसमें स्पेसिफिक एंगल्स की जो बात होती है तो स्पेसिफिक में यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, स्पेशल टाइप ऑफ एंगल जिसको हम कंपास और स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं स्टार्टिंग से. बहुत प्रीवियस क्लास में हम लोग ड्रॉ किए हैं, जैसे मान लो 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया. तो ये 5 जो एंगल्स हैं इसी 5 एंगल्स को स्पेसिफिक एंगल्स कहा जाता है. अगर हम क्लास 10th की बात करें, जिस क्लास में हम लोग प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंटली जिस क्लास में हम लोग हैं उस क्लास के अकॉर्डिंग ये 5 एंगल ही स्पेसिफिक एंगल माने जाएंगे. जब आप लोग हायर क्लासेस 11th 12th में जाएंगे तो अदर भी एंगल्स आएंगे, तो हम उसकी चर्चा उस समय करेंगे जब हम 12th या 11th क्लास में चले जाएं. अभी सिर्फ और सिर्फ इस 5 एंगल्स पर फोकस करते हैं. तो इन एंगल्स की वैल्यू यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 और साइन 90 डिग्री की वैल्यूज कैसे निकालेंगे. उसी तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, ऐसे करके जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उन 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे यह सीखेंगे. तो इसको फाइंड करने के लिए 2 मेथड, एक तो ट्रिक है टेबल बना दिया जाए सबका और उस टेबल्स को लर्न कर लिया जाए जो सबसे इजी है और सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो आएगा अभी दैट इज एक्सरसाइज 8.2 में वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा. जैसे आ गया 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है. इस वैल्यू को फाइंड करना, तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, हमारे पास साइन 45 की वैल्यू होनी चाहिए, फिर साइन 45 की वैल्यू डालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 30 की वैल्यू डालेंगे और उन दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व करके जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं इन एक्सरसाइज 8.2 में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन 45 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको. तो इसके लिए क्या है कि टेबल मैं बना रहा हूँ और सिंपल तरीके से टेबल है, कोई भी स्टूडेंट बना सकता है तो बना लेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल उस टेबल को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि बुक में भी टेबल दिया हुआ है. तो बुक में टेबल दिया हुआ है तो बुक कहाँ कैरी करेंगे, इसलिए आप लोग सबसे पहले इस टेबल को बनाने की कोशिश करें कि स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड ट्राइगोनोमेट्रिकल का रेशियोज का टेबल क्या है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना. स्पेसिफिक एंगल्स माइंड में आप लोगों के बैठ गया होगा अब तक कि स्पेसिफिक एंगल की जब भी बात होगी तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री की बात होगी. यहां फर्स्ट कॉलम में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज लिख देंगे. ये ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज यहाँ कॉलम में रहेगा और एंगल जो होगा ये रॉ में होगा. पहले हम 0 डिग्री को डालेंगे,
उसके बाद 30 डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री के बाद हमारा 60 डिग्री होगा और यहाँ 90 डिग्री होगा। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, यह स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसके ट्राइगोनोमेट्रिकल वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम साइन को देखते हैं, यहाँ साइन थीटा हो गया, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, 30 डिग्री वेरी करते रहेगा साइन थीटा। सेकंड जो है वो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, उसके बाद हो गया हमारा टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद हो गया यहां सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, और सेक थीटा के बाद सबसे लास्ट जो है वो हमारा कौन सा होता है, कोसेक थीटा। क्लियर हो गया? तो ये टेबल बन गया, अब इस वैल्यू हम डालेंगे, बुक में बना हुआ है लेकिन बुक आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते और हमेशा आपको याद रह भी नहीं सकता। तो अगर हमें टेबल बनाना होगा तो हम एक मिनट का टाइम देंगे और एक मिनट में फटाफट सबकी टेबल निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू कोई पूछा जाएगा तुरंत हम वहां यूज कर लेंगे। टेबल बनाने के लिए करते क्या है ध्यान रखना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, जीरो से लेकर के फोर तक के नंबर, क्योंकि टोटल फाइव है और जीरो से स्टार्ट करें तो फोर, फोर हो गया, तो जो हाईएस्ट है उससे ईच टर्म को डिवाइड कर, जो हाईएस्ट है उससे ईच टर्म को डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है बनाने का तरीका, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर तक लिखेंगे और फोर से सबको डिवाइड करते हुए आ जाएंगे, और फिर इधर से तीन स्टेप में बनना है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फिर फोर से सबको डिवाइड करते चला गया और सब पर रूट लगाते इधर से चला गया जी। और इस तरह से हम लोगों ने साइन जीरो डिग्री की वैल्यू, थर्टी डिग्री सबकी वैल्यू, अब जो आएगा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो को फोर से डिवाइड करेंगे जीरो होगा और उसको उसका रूट निकालेंगे जीरो होगा, वन का स्क्वायर रूट वन होगा, फोर का स्क्वायर रूट टू होगा, यहाँ टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी कि वन का स्क्वायर रूट वन, टू का नहीं होगा तो रूट अंडर टू, यहाँ रूट थ्री एज इट इज रह जाएगा और रूट फोर की वैल्यू होती है टू, फोर से फोर कैंसिल होगा, वन आ गया वन का वन। समझ में आ गया? कितना आसान है, बहुत बहुत ईजी, वन मिनट लगना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से। साइन का वैल्यू हो गया, कॉस का करना है ना, कॉस के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का अर्थ है कि जो 90 डिग्री में है उसको यहाँ डाल देंगे, जो 60 डिग्री में है उसको मैं यहाँ डाल दूंगा, जो 45 डिग्री में है उसको यहाँ डाल दूंगा, जो 30 डिग्री में उसको यहाँ डाल दूंगा, जो 0 डिग्री में यहाँ डाल दूंगा। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 की वैल्यू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, दो वैल्यूज हम निकाल लिए, अब टेन का निकालना है। टेन के लिए थोड़ा सा याद रख लेते हैं इधर, टेन थीटा के लिए क्या करना है कि जो साइन थीटा है उसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे, यह आइडेंटिटी है जो हम 8.4 एक्सरसाइज में सीखेंगे, अभी तत्काल इसका हेल्प लेते हैं टेबल बनाने में। टेन थीटा साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, टेन थीटा आता है, यानी कि साइन जीरो डिग्री को कॉस डिग्री से डिवाइड करेंगे तो टेन जीरो डिग्री आएगा, जीरो, जीरो को वन से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। 1/2 को रूट 3/2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं, 1/2 को डिवाइड करेंगे रूट 3/2 से, कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 2 से 2 दैट इज 1/√3, ये तो दोनों सेम है, 1/√2 को 1/√2 से सेम क्वांटिटी को डिवाइड करता है तो उसका डिवीजन क्या आता है, 1 आता है, दैट इज 10। 45 का अगर कोई वैल्यू पूछ दिया हम 1 बोल देंगे। क्लियर हो रहा है? गुड। 60 डिग्री, अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कटेगा, रूट थ्री, रूट थ्री बाई वन, तो रूट थ्री बाई वन क्या हो जाएगा, रूट थ्री होगा। और किसी भी नंबर को, दुनिया में कोई भी नंबर हो,
कोई भी नंबर हो अगर उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है, जो डिफाइंड नहीं है, जिसको हम अटेन नहीं कर सके, जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया यहाँ पे नॉट डिफाइंड, एनडी भी लिखा जाता है नॉट डिफाइंड को शॉर्ट में, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। टेन का हो गया। अब कॉर्ड के बारे में सोच रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं सोचना, इसको घुमा देना है, घुमा देना है मतलब मूव करा दीजिए। इन्फिनिटी यहाँ लिख देंगे, रूट थ्री यहाँ लिख देंगे, ये तो वहीं पे रहेगा, वन बाई रूट थ्री यहाँ हो जाएगा और ये जीरो हो गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुई, गुड। अब हमारे पास दो और रह गए जी, तो दो और रह गए, तो दो में से एक ही निकालना है, फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, अब सेक निकालना है। तो सेक के लिए वेरी सिंपल है, ये भी सेक का यहाँ से याद कर लेंगे, सेक थीटा का वन बाई होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कॉस थीटा के वैल्यूज को अगर पलट देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अपने आप सेक का वैल्यू आ जाएगा। सेक कॉस थीटा का वन है, वन है तो वन बाई वन सपोज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी वन ही होगा, इसकी वैल्यू को पलट देना है, इसकी वैल्यू को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ टू बाई रूट थ्री, इसको पलटेंगे तो क्या मिलेगा सिर्फ रूट टू, इसको अगर पलट देंगे तो टू बाई वन, तो टू बाई वन बट्टे में वन लिखने की नीड नहीं है, इतना ही रहने देंगे। और यहाँ वन जीरो है तो जीरो का रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो के बट्टे में वन हो गया, इसका रेसिप्रोकल करोगे वन बाई जीरो, वन बाई जीरो के वैल्यू यहाँ बताया था कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे, चाहे वो नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा क्यों ना हो, वो इन्फिनिटी आता है, नॉट डिफाइन उसकी वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे कॉसेक का, तो कॉसेक का निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको रिवर्स कर देते हैं, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, टू यहाँ आ गया, ये तो एज इट इज रह जाएगा अपने जगह पे, और ये टू बाई और वन। तो बच्चों इस तरीके से, चूंकि मैं आपको समझा रहा इसलिए इसमें टाइम लगा, अगर आपको किसी को नहीं समझाना है तो वन मिनट 60 सेकेंड इज सफिशियंट टू ड्रॉ दिस टेबल बिना लर्न किए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप इस टेबल को लर्न करेंगे, सबके बुक में दिया हुआ है, आपको यहां से नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीखने की जरूरत थी कि अगर बुक की वैल्यू हम भूल जाएं किसी कारणवश, बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी क्लासरूम में है हम भूल गए हैं, तो हम क्या करेंगे तुरंत फटाफट इस टेबल को बनाएंगे और यहां से इस सबकी वैल्यू हम यूज करने लगेंगे, कन्फर्म। नेक्स्ट वीडियो में, यह तो ट्रिक हो गया, यह इस टेबल को स्पेसिफिक एंगल के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए ट्रिक हो गया, मैंने ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बताया, बट बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी वैल्यू ही फाइंड करने के वास्ते है, फाइंड साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली इसको कैसे प्रूफ करना है हम कमिंग वीडियोज में आप लोगों को सिखाएंगे, एक पूरा का पूरा वीडियो इसी पर बेस्ड होगा कि ज्योमेट्री के हेल्प से ये सारे वैल्यूज, कॉस 30 डिग्री वैल्यू रूट 3/2 होती है तो कैसे होती है, यह हम इसका प्रूफ निकाल कर आप लोग को कमिंग वीडियोज में देंगे, अभी सिर्फ एक टेबल बनाना है आप लोग सीखिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, 8.2 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज को हम लेते हैं और 8.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहां फटाफट करेंगे, विदाउट वेस्टिंग और प्रेसिस टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट किसकी वैल्यू इवेलुएट करना है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इवेलुएट करना है हमें, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस
साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये दो वैल्यू, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट इज इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यही हम इसका सॉल्यूशन दे देते हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो बुक में टेबल बना हुआ है, इस टेबल के हेल्प से हम बता सकते हैं, यहाँ ब्लू कलर का जो टेबल बना हुआ है वही टेबल जो अभी भी मैंने आप लोगों के सामने बनाया, ट्रिक बताया कि कैसे वो वैल्यू फाइंड की जाती है। तो यहाँ से साइन 60 का वैल्यू आप लोग उस टेबल से देख कर बता सकते हैं कि साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3/2 इंटू का साइन है, कॉस 30 का भी रूट 3/2 है, प्लस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 है। अब इसको सॉल्व कर देना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, और 2 को 2 से करेंगे यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम 4 निकाल लिया, तो 3+1 आ जाएगा, दैट इज 4/4 मेक्स इट 1। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। sin square 60 डिग्री यह क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सिंपली यहाँ स्क्वायर नहीं था इसे एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 2 हो गया, tan 45 की वैल्यू डालेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, tan 45 का 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, sin 60 का भी रूट 3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। एक स्टेप और जाएंगे, 2 × 1 square 1 प्लस स्क्वायर जैसे करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, बट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, वही यहाँ भी हो जाएगा 3/4, प्लस माइनस था इसलिए कैंसिल हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ गया 2। देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान एक्सरसाइज है जो आप लोग घर बैठे विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क ऑफ गोइंग आउटसाइड फॉर ऑफलाइन क्लासेस यू कैन ईजली डू दिस एक्सरसाइज 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन, उसको मैं आप लोग के लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग घर बैठे मैथ सीख सके। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th, ये तीन क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के तीन अदर पार्ट, दो पार्ट तो मैंने कर दिया फर्स्ट सेकंड, उसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये सभी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में, बड़े बट्टे की फॉर्म, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म, तो इन तीनों में जो थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, वह है क्वेश्चन नंबर 4th, यानी कि 4th पार्ट इसका थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैं इसके 4th पार्ट को ही सॉल्व करता हूं, क्योंकि अदर पार्ट आप लोगों से इजी वे में हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। इवेलुएट करना है हमें साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करना यहीं से शुरू करते हैं। 6 डिफरेंट ट्राइगोमेट्रिक का रेशियोज हैं, ऑटमोस्ट 6 के 6 ट्राइगोमेट्रिक का रेशियोज यहाँ यूज हो गए हैं, और टेबल के हेल्प से, चूँकि आप भी आप लोग याद होगा कि नहीं होगा, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सारे जो वैल्यू जो टेबल बना हुआ है, ये टेबल मैं यहाँ बनाया हूँ, ट्रिक तो समझ जाना है, ट्रिक याद रखना है,
बट क्वेश्चन भी सारे वैल्यूज भी याद रखें, क्योंकि अगर एक मिनट भी टाइम वेस्ट हो रहा है उस टेबल बनाने में तो एक मिनट तो हमारे पास बच जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आपको वैल्यूज याद रहने चाहिए। यू मस्ट लर्न द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 प्लस टेन 45 का होता है 1, कॉसेक 60 का हो जाए 2/√3। यह मैंने न्यूमिनेटर में जो 3 दिया हुआ था तीनों की वैल्यूज डाल दिए। अब डिनोमिनेटर वाले वैल्यूज आ रहे, सेक 30, सेक 30 का 2/√3, कॉस 60 का 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली एलसीएम निकाल कर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा चलिए, अब न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा इसका, न्यूमिनेटर का एलसीएम 2√3 हो गया। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करते हैं, √3 आ जाएगा यहाँ, यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 1 से डिवाइड करते इतना ही रहेगा, दैट इज 2√3। और √3 को √3 से डिवाइड करते हैं, √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4, 2 2 4। गुड, यही प्रोसेस नीचे फॉलो करेंगे। डिनोमिनेटर में 2√3 एलसीएम हो गया, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करें तो √3 हो गया और प्लस 2√3 कन्फर्म हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ अगले स्टेप में √3 और 2√3, 3√3 माइनस 4 एलसीएम हो गया 2√3, मल्टीप्लाई कर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, ये डिनोमिनेटर जो था वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर, √3 और 2√3 ऐड करने पर 3√3 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 4, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब यहाँ आ जाएंगे इस साइड में, बोर्ड के दूसरे साइड में मूव करते हैं, 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। अब यहाँ जैसे आ गया तो यह क्वेश्चन जो है हम लोग पहुँच गए क्लास नाइन्थ में। क्लास नाइन्थ में क्या था, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को मिलता था, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते थे, बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे, किया है ना जी, हाँ याद आ गया। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपोजिट साइन को कंजुगेट कहा जाता है, हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट के बारे में, 3√3 माइनस 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो 3√3 माइनस 4 का द होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला फिक्स है, हमेशा वही होता है रेशनलाइज करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, अब a माइनस बी द होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर देते हैं, आइडेंटिटी पर ब्रेक हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, रफ में कर लेते हैं, 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करें तो 3 यानी कि 27। क्लियर हो गया कि 3√3 का अगर स्क्वायर करेंगे 3√3 तो स्क्वायर दोनों के हिस्से में आ जाएगा, 3 के हिस्से में आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 के हिस्से में आएगा तो √3 का जब स्क्वायर करता है √2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ हो गया हमारा 27। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जी, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे हो गया हमारा 3√3 और b की जगह 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से ब्रेक कर दिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, 3√3 का हो जाएगा यहाँ 27 माइनस 16। बस क्वेश्चन हमारा फिनिश, यही पे क्वेश्चन डन हो गया है, बस एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं, हाँ यहाँ तो स्पेस इतना है कि लिखा जा सकता है, 27 और 16 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 43 हो जाएगा और 4 3 जा 12 2 जा 24 √3
डिवाइडेड बाई 11 और दिस विल बी आवर रिजल्ट। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर लिया और अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं आंसर भी मैच कर लिया हूं और आंसर बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया, ये सबसे क्वेश्चन वन में जो 5 पार्ट्स दे रखे थे उसमें सबसे मुश्किल यही बच्चों को लगता है, इसलिए इसे मैंने सॉल्व कर दिया। अदर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और इसमें मैं छोड़ रहा हूँ, 3rd पार्ट और 5th पार्ट, ये दोनों कंपरेटिवली ईजियर क्वेश्चन है जो आप लोगों के खुद के प्रैक्टिस के लिए मैं लीव आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चन जो है या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल है, क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, 2 tan 30° डिवाइडेड बाई 1 tan²30°। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यूज निकालना है और इसका वैल्यूज बताना है कि इसका वैल्यूज क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है साइन 60°, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कॉस 60°, थर्ड ऑप्शन दैट इज सी दे रखा है टेन 60°, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है साइन 30°। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी पहले वाले 2-3 क्वेश्चन हम किए थे। सॉल्यूशन में चले जाते हैं, 2 tan 30° डिवाइडेड बाई 1 tan²30°। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ 2 हो गया और tan 30° की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√3, फिर 1+ अब 10²30, तक 10³० की वैल्यू डालकर उसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर हो रहा है? गुड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 1+1/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और मूव करेंगे 2/√3 हो गया, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 3+1 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल 3/4, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 और 2√3 होगा, रेशनलाइज कर देंगे, जब भी नीचे रूट रहेगा रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर 3√3 हो जाएगा, 2 हो गया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, इस 3 से 3 कट गया और इस तरह हमारे पास आ गया √3/2। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ट्रायग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम कितना ला दें, √3/2, लेकिन ऑप्शन में तो √3/2 दिया हुआ नहीं, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30 दे रहा था। तो अब हम यह सोचेंगे कि इसमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है, किसका वैल्यू √3/2 होता है, बताइए आप लोग, बताओ बाबू बताओ किसका होता है, तो साइन 60 का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 60°, दैट इज ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान है इसमें का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे हम बढ़ाते हैं, इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं इस वीडियो के साथ ही। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI टाइप का क्वेश्चन है।
और बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, एक बार नहीं कम से 4-5 बार तो आ चुका है या इसे मिलता जुलता है आ चुका है। एक एग्जाम्पल में भी है, परहैप्स इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 8 है, आप लोग खुद कर लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। क्वेश्चन इज इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, टेन ए प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है एंड टेन ए माइनस बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 1/√3, और कंडीशन क्या दे रखा है कि ए और बी जो एंगल हैं ये दोनों एंगल 0° से लेकर 90° के बीच के हैं। 0° से ए प्लस बी यानी कि दोनों एंगल को अगर प्लस किया जाए तो 90 से एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों एक्यूट एंगल है। समझ में आ गया, ए और बी एक्यूट एंगल है, दोनों को ऐड करके भी आ रहा है, वो 0 से 90 के बीच में आ रहा है, तो सबट्रैक्ट करके जो आएगा वो भी एक्यूट एंगल होगा, 0 से 90 के बीच कहीं होगा। फाइंड ए बी, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड ए एंड बी, ए और बी जो एंगल है इस एंगल को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल तो है, बोर्ड में आया है, बहुत बार आ चुका है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। गिवन सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे, टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री। अब फटाफट हम यह सोचेंगे कि टेन में इधर हो गया टेन ए प्लस बी, और अब बताएंगे कि रूट थ्री टेन में कितना डिग्री पर होता था, रूट थ्री टेन में कितना डिग्री पर होता है, टेबल देखकर बताइए फटाफट। टेन 60° टेन ए प्लस बी इक्वल है टेन 60°, टेन दोनों साइड में है, टेन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, वाइनिस करते हैं, गायब कर देंगे। जैसे हम गायब करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60°। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट दे रखा है यहाँ टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ टेन ए माइनस बी हो गया और रूट 1/√3, टेन में 1/√3 कितना पर होता है, टेन 30° पर, तो यहाँ हम लिखेंगे टेन 30°। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में टेन है तो उसको हम वाइनिस कर देते हैं, गायब कर देते हैं छुमंतर से, क्या मिल गया ए माइनस बी इक्वल टू 30°। समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, यह इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर देंगे बाई एडिंग दिस टू इक्वेशंस, यहां जो दो इक्वेशंस हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, और ऐड करेंगे तो प्लस का साइन देंगे, फिर ए माइनस बी, ऐड कर दिया, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाले को राइट में, 60 + 30, बी से बी कैंसिल, ए प्लस ए कितना होगा 2a होगा, 2a हो गया, ए प्लस ए 2a नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं मैं यहां लिख देता हूं, ए प्लस ए कितना हो गया 2a आ गया, और 30 + 60 90 हो गया, तो इस तरह से a का वैल्यू हमारे पास आ गया 45°। कोई समस्या नहीं है, a की वैल्यू आ गई। अब a का 45 यहां डालकर b निकाल लेंगे फटाफट। From equation, first, linear equation in two variable में इस टाइप के equations बहुत सारे सॉल्व किए हैं, यह भी linear equation in two variable है, दो equation है, दो variable है, दोनों variable की value find करना है, बहुत सारे method हमारे पास है, किसी एक method का use कर लेंगे। अगर आपने linear equation two variable अब तक नहीं किया है तो प्ले जा करके आप लोग previous videos देखिए linear equation two variable chapters के, वहाँ से इस method को सीखिए और सीख कर तब यहाँ आकर। क्या करना है, ए का वैल्यू 45 डालना है यहाँ, तो 45° प्लस बी इक्वल टू 60°, और इस तरह से हमने बी का वैल्यू भी निकाल लिया, 60° माइनस 45° कितना हो जाएगा 15°। तो इस तरह से हमने जो अननोन क्वांटिटी ए और बी दिया हुआ था, इन दोनों अननोन क्वांटिटी की वैल्यू, दोनों अननोन क्वांटिटी की वैल्यू 15° या 15° है और यहाँ 45°। तो इस तरह से, क्योंकि 45 और 15 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा रिजल्ट सही है, हमारा आंसर सही है। और इस तरीके से हमने आज एक्सरसाइज
8.2 को कंप्लीट किया, क्योंकि अदर जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ लेफ्ट कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ वो काफ़ी ईजियर है और वो आप लोग अपने से खुद से कर सकने के लायक है, क्योंकि आप लोग बहुत बहुत मेहनती बच्चे हैं। और ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब तक इस वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स में जो भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड के हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या CBSE बोर्ड के हैं, उनको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे मैथमेटिक्स सीख सकें। और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों का आएगा जो अगले एक्सरसाइज 8.3 पर बेस्ड होगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।